नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र प्रताप सिंह स्वागत करता हूं आपका रियल टेक हेल्प यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि यूट्यूब शॉर्ट वीडियोस पर कॉपीराइट क्लेम या कॉपीराइट स्ट्राइक आती है या नहीं। दोस्तों अगर आप एक शॉर्ट वीडियो क्रिएटर हैं या फिर आप अपने यूट्यूब चैनल पर शॉर्ट वीडियो भी अपलोड करते हैं तो आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही काम का साबित होगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोगों को यूट्यूब शॉर्ट वीडियो से रिलेटेड बहुत ही काम की जानकारी दूंगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों उससे पहले अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि यूट्यूब शॉर्ट वीडियोस पर कॉपीराइट क्लेम या कॉपीराइट स्ट्राइक आती है या नहीं। तो दोस्तों यूट्यूब शॉर्ट वीडियोस पर कॉपीराइट क्लेम भी आता है, कॉपीराइट स्ट्राइक भी आती है, लेकिन कॉपीराइट स्ट्राइक आने की अलग कंडीशन होती है और कॉपीराइट क्लेम आने की अलग कंडीशन होती है। यहां पर मैं दोनों कंडीशन आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं बता देता हूं कि कॉपीराइट क्लेम शॉर्ट वीडियोस पर किस कंडीशन में आता है। दोस्तों अगर आप अपने शॉर्ट वीडियोस में किसी दूसरे चैनल का म्यूजिक या फिर सॉन्ग्स यूज करते हैं तो आपके उस शॉर्ट वीडियोस पर कॉपीराइट क्लेम जरूर आएगा। यानी कि आप अपने शॉर्ट वीडियोस पर किसी दूसरे चैनल का म्यूजिक या फिर सॉन्ग्स ऐड करते हैं तो आपके उस वीडियोस पर कॉपीराइट क्लेम आएगा। तो दोस्तों यहां पर मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि शॉर्ट वीडियोस बनाने के दो तरीके होते हैं, दो ऑप्शन हमें मिलते हैं। एक तो हम यूट्यूब के डायरेक्टली शॉर्ट फीचर से जो कैमरा होता है वहां से शॉर्ट वीडियोस को बना सकते हैं, दूसरा हम किसी एडिटर के द्वारा शॉर्ट वीडियो बनाकर उसे अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप अपने शॉर्ट वीडियोस में म्यूजिक को या फिर किसी सॉन्ग को ऐड करना चाहते हैं तो आप YouTube के डायरेक्ट शॉर्ट फीचर से वीडियो को बनाएं, उसमें जो म्यूजिक या सॉन्ग्स मिलते हैं उन्हें यूज करें तो आपके वीडियोस पर कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा। जो म्यूजिक और सॉन्ग्स आपको यूट्यूब के शॉर्ट फीचर्स में मिलते हैं, जो कैमरा पर क्लिक करके हम शॉर्ट वीडियो बनाते हैं वहां पर जो सॉन्ग्स मिलते हैं, यदि आप उनको यूज करते हैं तो वहां पर आपको कॉपीराइट क्लेम नहीं मिलेगा, आपके वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा। तो दोस्तों यहां पर आप समझ गए होंगे कि कॉपीराइट क्लेम किस कंडीशन में आता है। जब आप अपने वीडियो में शॉर्ट वीडियोज में किसी दूसरे व्यक्ति का सॉन्ग्स या फिर म्यूजिक ऐड करते हैं, यूज करते हैं, तो आपको कॉपीराइट क्लेम मिल सकता है उस वीडियोज पर। तो दोस्तों चलिए आप जान लेते हैं कि कॉपीराइट स्ट्राइक यूट्यूब शॉर्ट वीडियोज पर कब आती है। दोस्तों जब हम अपने YouTube चैनल पर किसी दूसरे के वीडियो को अपलोड करते हैं, किसी दूसरे के वीडियो को यानी कि किसी दूसरी चैनल के वीडियो को डाउनलोड करके अपनी YouTube चैनल पर अपलोड करते हैं तो इस कंडीशन में हमारे वीडियो पर कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकती है, चाहे वो वीडियो शॉर्ट हो या लॉन्ग हो। अगर आप किसी दूसरे चैनल के वीडियोस को डायरेक्टली अपने YouTube चैनल पर अपलोड करेंगे, उसे डाउनलोड करके अपलोड करेंगे, तो आपके उस वीडियोस पर कॉपीराइट क्लेम और कॉपीराइट स्ट्राइक दोनों ही आ सकते हैं, लेकिन यहां पर आपको कॉपीराइट स्ट्राइक आने के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो फ्रेंड्स आप किसी दूसरे व्यक्ति के वीडियोस को बिल्कुल भी डाउनलोड करके अपने चैनल पर अपलोड ना करें, जो भी कंटेंट बनाएं आप खुद का बनाएं। तो यहां पर आप समझ गए होंगे कि YouTube शॉर्ट वीडियोस पर कॉपीराइट क्लेम कब आता है, कॉपीराइट स्ट्राइक कब आती है। दोनों कंडीशन यहां पर मैंने आप लोगों को बता दी है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें।